में वो दांव लगाया कि तीनों खाने चित हो गई कांग्रेस, हालांकि तेलंगाना में जीत हो गई तो इसलिए एक खाना कांग्रेस के पास चला गया है। 2013 के बाद यह बीजेपी की सबसे बड़ी जीत में से एक है। एमपी में खिला कमल, देश के दिल में प्रचंड जीत, फिर चला मोदी मैजिक, काम कर गई चाणक्य की रणनीति, रंग लाई शिवराज की मेहनत। ये जीत का जश्न है, ये ऐसी जीत है जो प्रचंड है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमाल कर दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ही आंधी चली है, आंधी भी ऐसी कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई है। बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता की चाबी पर दोबारा कब्जा कर लिया है और ये जता दिया है कि प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो बीजेपी है। जीत को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता का आभार जताया। सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबके अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुट मणि हैं, वो एमपी के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया, मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। वोटों की गिनती के साथ ही बीजेपी ने प्रदेश में बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर न्यूज 18 पर दिखाए जा रहे नतीजों पर नजरें कढ़ाए हुए थे। दोपहर तक ये बढ़त रुझानों में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इससे तय हो गया कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी ही सरकार बनाएगी और इसके साथ ही पूरी पार्टी जश्न में डूब गई। जितनी अपेक्षा थी उससे भी अच्छे परिणाम आए। इस बार लाडली बहन फैक्टर को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारी समय सबसे पॉपुलर स्कीम थी, सब चूंकि अभी पिछले 5 महीने पहले प्रारंभ हुई थी तो इसलिए उस योजना में भी हमारी जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम लोगों का जो एक निर्णय था उसमें महिलाओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। जन जन का विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व के प्रति, जो जन जन का विश्वास है और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है, मध्य प्रदेश के जनता को एक सबको बधाई। आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि आज 51% से ऊपर वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही ताकत है जो अमित शाह जी की रणनीति के साथ हम मैदान में उतरे। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। मध्य प्रदेश की जनता का आभार और कार्यकर्ताओं को बधाई। एमपी में कुल मिलाकर एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अगर शिवराज फिर से सीएम बनते हैं तो ऐसा 5वीं बार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आज पूरे दिन आपने देखा रुझानों को परिणामों में बदलते हुए, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं कि ये रुझान कैसे आए, ये परिणाम में कैसे परिवर्तित हुए। बीजेपी जो कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 टेन्योर से सरकार में आ रही थी, 18 सालों का शासन, शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर के कई बार चर्चा थी कि एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को गिरा देगी, सरकार हार जाएगी, बीजेपी को बाहर जाना पड़ेगा। फिर चला मोदी मैजिक और मोदी मैजिक का कमाल देखिए कि सीटें बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे तक निकल गईं। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में प्रचार करने के लिए आए तो एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी नारे ने कमाल कर दिया और धराशायी हो गए एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर्स। सभी मतदाताओं को
आदर पूर्वक नमन करता हूं। मोदी मतलब जीत की गारंटी। एमपी के मन में मोदी, देश के दिल में मोदी, मोदी मोदी का जादू चला और मध्य प्रदेश की जनता ने फिर बीजेपी पर भरोसा जताया, पीएम मोदी पर भरोसा जताया। बीजेपी ने यहां पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीत मिली है। 2018 में बीजेपी ने शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा और हार गई। इस बार बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और सीएम चेहरा नहीं दिया, पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा है और जीत मिली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी के मन में मोदी हैं और मोदी के मन में एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है, ये उसी का परिणाम है। सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबके अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुट मणि हैं, वो एमपी के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया, मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। ब्रांड मोदी फिर चमका, जनता को मोदी पर भरोसा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ब्रांड मोदी चमका और जनता ने पीएम की बातों और उनकी गारंटी पर भरोसा जताया। पीएम मोदी ने यहां 14 जनसभाएं की। प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस सत्ता विरोधी लहर से निपटने की थी, जिससे एक लंबे शासन की वजह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार जूझ रही थी। प्रधानमंत्री ने 230 सीटों वाले प्रदेश में रतलाम, सिवनी, खंडवा, सीधी, दामोह, गुना, मुरैना, सतना, छतरपुर, नीमच, बड़वानी, बेतुल, साजापुर और झबुआ में सभाओं को संबोधित किया। इंदौर में बड़ा रोड शो किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, इस अभियान को जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का अथाह आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने ताकत दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत प्रत्येक बूथ पर। देश के दिल में खिला कमल, लहराया लहराया बीजेपी ने जीत का परचम। जो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, वो पीएम मोदी का चेहरा है, उनकी गारंटी जो उन्होंने लगभग हर रैली में दोहराया, मोदी मतलब गारंटी। उनके वादों और उनकी दी गई गारंटियों का असर हुआ, देश में दिल में फिर कमल खिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मोदी की भी एक गारंटी है। और ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ही लहर चल रही थी, शिवराज सिंह चौहान की वाक्पटुता